नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की इससे घोर बेइज्जती भला कौन कर सकता है। अपनी पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता अब उन्हें उनकी औकात दिखाने लगे हैं। और आपको पता है क्यों? क्योंकि भारत के खिलाफ जो उन्होंने अब तक बोला है उसको लेकर उनकी पार्टी में अब बगावत शुरू हो गई है। एक इंटरव्यू में उनकी जो बेइज्जती हुई है वो आज आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भले ही अपनी कुर्सी बचाने में सफल हो गए हो, लेकिन उन पर उनकी पार्टी के नेताओं का हमला जबरदस्त जारी है। इसी सिलसिले में सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के सीनियर नेता नारायण काजी श्रेष्ठ ने पीएम ओली पर निशाना साध दिया है, वो भी तगड़े वाला। उन्होंने कहा कि ओली ने हाल ही में अपने अनडिप्लोमेटिक और इरिटेटिंग भारत विरोधी बयानों के जरिए तीन गलतियां की है। आपने देखा इरिटेटिंग शब्द का यूज किया उन्हें। नारायण काजी कहते हैं कि पीएम ओली ने भारत के खिलाफ चिढ़ाने वाले बयान देकर ब्लंडर किया है, वो भी ऐसे समय में जब सीमा विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की जरूरत है। सीपीएन नेता ने हिमालयन टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और काला पानी वाली बुलेख की विवादित भूमि पर बयान देकर पीएम ओली ने गलती की है। उन्होंने कहा कि ओली ने भारत के संबंध में तीन गलतियां की हैं। नारायण काजी श्रेष्ठ ने कहा कि पहली गलती भारत के चिन्ह सत्यमेव जयते के बारे में चिढ़ाने वाले तरीके से बोलकर की गई है। दूसरी गलती भारत पर अपनी सरकार को गिराने की साजिश रचने के लिए दोष मढ़ा गया है, जो कि निराधार है। और तीसरी और सबसे बड़ी गलती यह है कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या नेपाल के बीरगंज के पास स्थित है, ये कहा था उन्होंने। ये तीन गलतियां उन्हें महंगी पड़ रही हैं। बताने की पिछले महीने पीएम ओली ने आरोप लगाया था कि भारत उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वों के साथ मिलकर उन्हें सत्ता से बाहर करने की साजिश रच रहा है। उनका यह बयान नेपाल द्वारा एक नया नक्शा मंजूर करने के लिए एक विधेयक पारित करने के बाद आया था। इस विधेयक में नेपाल और भारत के बीच विवाद के केंद्र रहे इलाके लिपुलेख दर्रा काला पानी और लिम्पिया धूरा को नेपाल के क्षेत्र के तौर पर दिखाया गया था। वैसे एक दो तीन गलती नहीं, नेपाल हर दिन गलती कर रहा है। अभी हमारे बॉर्डर पर कब्जा करने की कोशिश करता है, कभी चीन के तंबू लगाता है, और यही गलतियां नेपाल को भारी पड़ने वाली है। अब तो आप समझ लीजिए कि ओली के खिलाफ उन्हीं की पार्टी में बगावत हो चुकी है। उन्हीं के पार्टी के नेता जब ये बात बोलने लगे कि वो अपने बयानों से और भारत के खिलाफ बोलकर प्लंडर कर रहे हैं, तो कितना बुरा ओली के साथ होने वाला है। यानी भले ही अभी उन्होंने अपनी कुर्सी बचा ली हो, लेकिन ज्यादा दिन ये कुर्सी चलने वाली नहीं है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। नमस्कार।